तो सदमे का मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। इतने काम, इतने चक्कर, ऊपर जरा सा खाना ले जाने में देर क्या हो गई, तो इन्हें दीवी ने 10 बातें सुना दी मुझे। अरे ऐसी क्या बात है भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ उल्टा सीधा कह भी दिया तो बर्दाश्त कर लो, तुम्हें पता भी है कि वो उम्मीद से है। आपकी बात अलग है बेगम साहिबा, आप इतनी मोहब्बत से बात करती हैं, ये बहुएं आप कब अपनी बनती हैं? और वैसे भी वो तायरा बाजी के कमरे पे नजर लगाकर बैठी हुई हैं, मुझे कह रही थी कि क्या कह रही थी? कह रही थी कि इस घर का सबसे अच्छा रोशन और हवादार कमरा तायरा बाजी के पास है, आपको और तायरा बाजी को बार बार ऊपर नीचे करना भी नहीं पड़ता। अब जाहिर है इस घर में उनकी वो अहमियत तो नहीं हो सकती ना जो तायरा बाजी की है। अच्छा अच्छा बस रहने दो, ये खामखा की कुटनियों वाली लगाई बुझाई मुझे पसंद नहीं है, अपना काम खत्म करो और जाओ घर। जी मैं तो वैसे भी जा रही थी, कल से काम पर नहीं आऊंगी। अरे इतनी तनख्वाह में इतना सारा काम मुझसे नहीं होता, पर जाओ नीचे जाओ, काम करो वो काम करो। देखो तो जरा इसे, कितना ख्याल मैंने इसका किया, कैसे वक्त पे दगा दे गई मुझे, मैं क्या करूंगी अकेले, 100 काम में तहनियत के। अल्लाह वैसे अफसोस है इन लोगों पर।